बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग सब ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबको बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल SFS ब्लॉग पे। आज मैं बनाऊंगी चिकन यखनी पुलाव और साथ चिकन टिक्का बोटी। यहाँ मैंने पैन में पहले से तेल डाला हुआ है। ये इधर मैं अदरक को कूट रही हूँ छोटी सी मैं, और ये मैंने अदरक सॉरी गार्लिक और अनियन ये दोनों मैंने कट करके पहले से रख लिए थे, क्योंकि मेरा चॉपर जो है ना वो ख़राब हो गया है, उसे टूट गया है। तो अब मैं ऐसे करती हूँ, और ये मैंने गार्लिक को ऐसे किया है। और मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ जो भी नया आ रहा है मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं भी आपको रिटर्न करूँगी जब आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे। जितनी देर में ये होता इतनी देर में मैं आपको बताती हूँ। ये मैं टमाटर और ग्रीन चिली ये सब इसके अंदर ऐड करूँगी, और ये यखनी और चिकन ये दोनों हैं, और ये मलाई बोटी को मैंने मसाला लगा के रखा है, ये साथ में करूँगी अभी। ये एक टेबलस्पून में नमक इसके अंदर ऐड करूँगी। कुछ नमक मैंने यखनी में भी ऐड किया था, तो इसलिए थोड़ा इधर ऐड करूँगी, और अगर कम लगा तो मैं बाद में फिर और ऐड करूँगी। अभी ये ब्राउन हो तो उसके बाद फिर मैं ये टमाटर और ग्रीन चिली का मैंने पेस्ट बनाया है ये वाला, ये इसके अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि मेरा वो जो चॉपर था ना वो टूट गया, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो अभी मैं मिक्सी जार में सारा कुछ जो है ना मसाले वगैरह इसी में कर रही हूँ, प्याज टमाटर जो भी है वो इसी में कर रही हूँ। अब और देखिए ये कितना अच्छा ब्राउन हो गया। अब इसके अंदर ये टमाटर और ग्रीन चिली पेस्ट वो मैं ऐड कर देती हूँ, ये थोड़ा सा हो जाए तो फिर उसके बाद मैं बाकी के मसाले ऐड करूंगी इसके अंदर। और अब इसमें ये मैं हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। मैंने जब चिकन बॉयल किया था तो उस टाइम मैंने सारे जो खड़े मसाले होते हैं वो मैंने इसमें डाल दिए थे, तो यखनी में ही सारा जो है ना असर आ सॉरी। और अब ये बोटियाँ ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, कि किसके अंदर मसाले हैं वो मसाले सारे मैं बाहर निकालूँगी। ये भी गर्म है, और अभी मैंने ये चिकन जो है ना इस मसाले में इसकी करनी है मैंने बुनाई, क्योंकि चिकन ऑलरेडी हमारा उबला हुआ है। इसको 5 से 10 मिनट जो है ना इसकी मैं बुनाई करूँगी, और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर यखनी ऐड कर दूँगी। और मैं आपको बताऊँ, यखनी मैंने 3 गिलास चावल लिए हैं, तो उस लिहाज से मैं 5.5 जो है ना यखनी लूँगी, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से चावल जो है ना फिर जो जुड़ जाते हैं वो अच्छे वाले नहीं बनते। तो मैं क्या करती हूँ कि हमेशा जो है ना एक आधा गिलास जो है ना छोड़ देती हूँ, उसके बाद फिर मैं जाके बनाती हूँ पानी डालती हूँ। एग्जाम्पल अगर मेरे पास 3 गिलास चावल है ना, तो उसके 6 के बजाय मैं 5.5 डालती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ। और देखें चिकन को तकरीबन 7 मिनट हो गए मुझे भूनते हुए। अब इसके अंदर मैं ये यखनी ऐड कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसका नमक टेस्ट करूँगी।
और देखें जी ये चावलों को सॉरी पानी को आ गया बॉयल। अब इसके अंदर मैं ये चावल जो भिगो के रखे थे, ये चावल मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगोए थे, ये बहुत अच्छे चावल हैं और ये बहुत ज़्यादा मतलब कम बनाए ना तो हांडी में ये फूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत अच्छे हैं चावल जो यूके में हैं। मैं उन लोगों को बताऊँ, ये सूर्या चावलों का नाम है सूर्या, और ये इंडिया से आते हैं और जो इंडियन लोग हैं उनको तो ज़्यादा बेटा पता ही होगा। तो अब इसका पानी ड्राई होने तक मैं वेट करूँगी और उसके बाद मैं साथ फिर चिकन टिक्का बॉटी भी बनाती हूँ दूसरी साइड पे। और देखिए चावलों का पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो ही रहा है, तो अभी थोड़ा और वेट करती हूँ, जब ये कंप्लीट ड्राई हो जाएगा फिर उसके बाद मैं इसको दम पे लेके जाऊंगी और यहाँ पे मैं फिर टिक्का बोटी बनाऊंगी इसी गैस पे, क्योंकि दूसरा गैस जो है ना बहुत छोटा है। और देखें ये चावल हमारे जो है ना अब दम पे मैं लेके जा रही हूँ, मैंने इसमें नमक देखा वो परफेक्ट था, कोई ज़रूरत नहीं थी और नमक की। अब इसको मैं दम पे लेके जाती हूँ और साथ में चिकन टिक्का बोटी बनाती हूँ। और इधर मैंने पैन रख लिया है, अब इसके अंदर मैं ये जो बोटियों को मैंने मसाला लगाया था, मुझे नहीं पता मेरे हस्बैंड ने क्या क्या इसके अंदर ऐड किया, उन्होंने किया है मैंने नहीं किया, लेकिन बहुत अच्छा मसाला लगाते हैं वो। ये मैंने सीख से लगाना था लेकिन मेरे पास सीख नहीं थी तो इसलिए मैं अब पैन में कर रही हूँ। और ये मैंने रख दिया है इसको पैन में, तो अब इसके ऊपर मैं लिड दूंगी ताकि ये जो है ना ड्राई ना हो। इनका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा ना सूखा सूखा ना बने, थोड़ा सा सॉफ्ट बने जूसी जूसी। इसके ऊपर मैं लिड देती हूँ, उसके बाद फिर मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ। और देखिए अभी ये चिकन ने माशाल्लाह काफ़ी हद तक पानी अपना जो है ना छोड़ा, अब इसी पानी में इसको मैं पकाऊंगी क्योंकि इससे फिर बहुत अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है। ये तो करता रहे साथ साथ बना रहा रायता और साथ केक भी हैं, क्योंकि मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है तो केक तो हम इंशाल्लाह फ्राइडे को ही काटेंगे, लेकिन वैसे नॉर्मल केक घर में खाने के लिए लेके आए हैं। तो फ्राइडे को मेरे बेटे की भी बर्थडे है तो दो खुशियाँ एक साथ है ना। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू बोजो, अच्छी बात है। और पता है शोएब अंकल वो कितना आपका पूछते हैं, वो अक्सर आके ना अरबी में सब जब आते हैं ना सबसे पहले यही बात पूछते हैं सैफ फिजान सुफियान का क्या हाल है, तो उनको आप सलाम बोलो। अस्सलाम वालेकुम, शोएब अंकल साथ बोलो ना, शोएब वो आपको भाई बोलते हैं। और देखिए जी चिकन टिक्का बोटी की जो है ना सॉरी मलाई बोटी जो है ना इसका सारा पानी ड्राई हो गया, अब इसको मैं थोड़ा सा और करूँगी, अगर कुछ कसर रहती है वो भी पूरी हो जाए। इतनी देर में मैं चावल जो है ना आपका आपके सामने डिश आउट कर लेती हूँ और फिर उसके ऊपर ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। और देखिए मैं चावल जो है ना कितने अच्छे चावल बने हैं और एक एक दाना जो है ना इसका खिला खिला बनता है। और अभी मैं ये प्लेट के ऊपर लगा के ये मेरे हस्बैंड की प्लेट रेडी हो गई है, बच्चों की मैं बाद में करती हूँ। देखिए जी हमारी प्लेट हो गई है रेडी। ये थे हमारी आज की डिश चिकन यखनी पुलाव विद चिकन टिक्का मलाई बोटी, और साथ सैफ ने बनाया है रायता। ये देखिए कितना अच्छा इसने रायता बनाया है, ये भी साथ है। और मैं भी आपको दिखाती हूँ यहाँ से, ये देखिए इसने बनाया। और मैंने आपको बताया था कि मेरा वो चॉपर जो है ना वो टूट गया है, तो सैफ ने भी अपने हाथों से ये सारा कटिंग किया।